हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मैं पुण्यवासी अपने चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज संडे है, लेकिन सुबह से ज़्यादा काम भी नहीं है, फिर भी बहुत लेट हो गया है। और ऐसे फोन में बातें करते करते ही लेट हो गया है। और फिर एक न्यू सब्सक्राइबर ने बोले है कि आप इतना खुश हैप्पी कैसे रहते हैं। एक्चुअली हैप्पी रहने के लिए तो और कुछ नहीं, जो है मेरा, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे ये है, पोलियो है या ऐसा कुछ कि मैं नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, ये सब नहीं सोचती, इसलिए खुश रहती। और जो हर चीज़ मिले हर किसी को वो तो ज़रूरी नहीं है, और जो है जितना है उसमें खुश रहो, वरना दुखी होकर लाइफ क्या करेंगे, ऐसे दुखी दुखी ही रहना पड़ेगा। इसलिए जो है जैसा है तू उसमें ही खुश रह लेती हूँ, और क्या करूँ। थोड़ी सी गला बैठ बैठा बैठा सा जैसे लग रहा है वॉइस, तो उसको ना इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वॉइस बहुत सर्दी चुका, जो तबीयत खराब होने के दिन से वॉइस अभी तक तो ठीक से नहीं आई, तो जब तक नहीं आई तब तो ऐसे ही वो जो सर्दी वाला वॉइस में बातें कर रही हूँ मैं, तो थोड़ी सी पता ही चल जाता है कि सर्दी है, ऐसा ही वॉइस है, तो क्या करूँ, तो वही तो करना पड़ता है। फिर सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा हो जाती है वो सर्दी वाला वॉइस, तो दिन भर थोड़ी सी कम हो जाती है थोड़ी सी। वो संडे थी ना, आज पकौड़ा बन थोड़ी सी वो बेसन का प्याज का वो सब पकौड़े बने थे, तो वही थोड़ी सी दो खा ली थोड़ी सी अभी नहाने के बाद, फिर जाके खाना क्या बनाएंगे देखेंगे। वैसे तो श्रावण का महीना है, नॉनवेज तो नहीं, सादा ही बनाएंगे कुछ भी, देखती हूँ दाल चावल कुछ और कुछ बना लूँगी। ये भगवान जी को पूजा नहीं की थी, तो थोड़ी सी उन्हें थोड़ी सी मिलने चली जा रही थी, तो मैंने सोचा जब चलना ही कह रहे थे तो चलने की ये तो जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी आऊंगी ऐसे थोड़ी सी भगवान जी को मिलके, तो इसलिए वो थोड़ी सी वीडियो बना दी। फिर जैसे कि खाना बनाने के लिए लगे चावल का पानी बिठा दिया था, तो चावल साफ करने के लिए चावल निकाल ली, थोड़ी सी चावल को साफ करके ऐसे सारा ऐसे सब्जी वगैरह काट के, जो भी काम करना होता है दिन भर वही काम करते हैं, और क्या करें, ये सब तो काम डेली का काम है। और ये चावल साफ कर रही थी, और नॉन वेज तो नहीं, ये सावन का महीना है, सादा ही सब कुछ बनने का, तो क्या बनाऊंगी ऐसा सोच कर ही चावल साफ कर लेती हूँ। फिर ऐसे वो जो कुंदरू बोलते हैं वो ही थोड़ी सी भाजी बना ली, और सब्जी मिला के दाल जो डालमा बना दी, और ड्रम स्टिक पोटैटो जो उसके भाजा बना दी, फ्राई कर दी, तवा फ्राई जैसे कर ली। फिर उसको उबालने के लिए कढ़ाई नहीं लाई थी, वहाँ भाजी बन गई थी, सब्जी वाला दाल जो डालमा भी बन गई थी, तो और एक कढ़ाई लाने के लिए फिर खड़ा होना, तो ये सोचेंगे कि कैसे खड़ी होती हूँ मैं, कुछ चीज़ें पकड़ के, ये ताज़ा वगैरह जब खड़ी होती हूँ, क्या ताज़ा वगैरह बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो खड़े होने में उसे पकड़ के थोड़ी सी खड़ा हो जाती हूँ, उसमें मैं अपना पूरा प्रेशर भी दे सकती हूँ ताज़ा में ऐसा कर, तो वही, और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट वो जो था मेरे पास, तो वो निकाल रही थी फ्रिज में से, और उसको पहले उबाल कर फिर उसको जैसे तावे में फ्राई करूँगी, सेलो फ्राई की तरह वैसे कर लूँगी। चावल भी मेरा बन गया था,
तो वही खड़ा होना और चलना ऐसे बहुत सारा ये दिखा दिया। तो आप लोग कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि ये सब सोच सोच के ये अभी चलना है तो वो वीडियो बनाऊंगे, लोग ये देखना। मतलब ये फरमाइश किए थे कि ये सब सोच सोच करके ही कर रही थी, वो जो चलने की खड़े होने की ये सब थोड़ी सी काम में खड़ा होना ऐसे। तो सिर्फ मैं तो कोई मॉडल नहीं हूँ कि सिर्फ चल लूँ, ऐसे तो चलना बिल्कुल ऐसा थोड़ी सी चलना अच्छा नहीं लगता ना। कोई काम की चीज़ में कहीं काम पर जाओ तो चलो ऐसा चलना हो जाता है, और ऐसे खाली चल के तो नहीं बना पाती ना, इसलिए तो ये काम के साथ हो तो। और खाली चलना थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता, वैसे क्या चलूँ नहीं चलती, इसलिए काम जो भी काम है काम के बहाने चलती हूँ। सिर्फ अब कहते हैं कि वीडियो सिर्फ चल के ऐसे वीडियो बनाइए, सिर्फ कैसे क्या चलूँ कैसे चलूँ, इसलिए यही काम में तो चलता हूँ, ये वो मुझे समझ में ही नहीं आते कैसे चलूँ, तो इसलिए वो ही। और थोड़ी सी बना रही थी के साथ बातें करते करते जो तो वही बातें करते करते ही काम कर रहे थे तो वो भी बन गया। फिर हम लोग ये पटाटा फिर थोड़ी सी वीडियो नहीं बनाई, ये जो खाना वाना करके उसको सारे तीन लोग सब लोग माँ पापा मैं तीन लोग के लिए वो बना के खाना परोसते। खाने के बाद वो जो साफ सफाई किचन आज थोड़ी सी बहुत साफ सफाई करना था तो थोड़ी सी अच्छा लगेगा, वरना वो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की से थोड़े से जैसे तैसे काम चल जाए ऐसे ही। आज तो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर ली थोड़ी सी, तो मैं अकेला। और गैस का रेगुलेटर मैं हमेशा सुबह का नाश्ते के बाद भी बंद कर लेती हूँ, और दोपहर का खाना बनाती हूँ जब तब भी रेगुलेटर बंद कर, रेगुलेटर बंद हो तो सेफ्टी रहता है, जब भी ज़रूरत होता हो तो गैस जब ऑन करना होता है तभी रेगुलेटर को ऑन करती हूँ, वरना जब काम ख़त्म होती है तो रेगुलेटर को भी बंद कर लेती हूँ। तो ये सब काम दिन भर का हमारा हो गया। फिर साफ सफाई दिखा दूंगी, पूरा किचन साफ कर लिया। तबीयत खराब होने के टाइम से किचन को इतना डीप क्लीन नहीं किया था कभी साफ, इतना थोड़ा थोड़ा साफ कर रही थी लेकिन पूरा साफ नहीं कर पाती थी। आज थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो गया, ये रही बिल्कुल साफ सुथरा ये सब करके, ये सब भी सारा जैसे साफ सफाई करके बहुत सारा और बहुत ही अपने ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था करने के लिए, कर भी नहीं पाती थी इसलिए थोड़ा साफ कर लिया, नीचे भी साफ कर लिया। और बाहर अभी तो बारिश होगी शायद इसलिए फिर से हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स सारा काम खत्म कर लिया, अभी जैसे सारा काम सारा दिन भर का जैसे काम खत्म कर लिया, फिर इवनिंग का काम जो अभी बच्चा है वो होगा, जो भी थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, बहुत कुछ नहीं भी वीडियो कर पाई क्योंकि नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं किया। ऐसे ठंड बजे से आँखें सब फूल सी गई है, फूला फूला लग रहा है ऐसा देख रही हूँ, तो एक ठंड जैसे अच्छी तरह से। अभी मैं जाके मेडिसिन खाऊंगी और थोड़ी सी रेस्ट करूंगी, उसके बाद जो भी करना है करूंगी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है, उस बेल आइकन को दबा लेने से आपको मेरे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही रहती हूँ। और एक बोले थे कि ऐसे चलने की, तो आज वो भी करके दिखा दिया, वो बहुत ऐसे चलना फिरना क्या ऐसे
सब कुछ ऐसे बिना काम के कैसे चलूँ, कुछ का बिना काम के भी ऐसे चल रही थी, तो चलने का वीडियो बना दी। और बाकी तो क्रचर में वो गीता आने के बाद ये क्रचर में चलूँगी। और तो फिर आज के लिए यही रहती हूँ। जय श्री कृष्णा।